कैसे आप सब? आज हम बनाएंगे आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी प्रेशर कुकर में। 2 से 3 टमाटर कट कर लिए हैं। 6-7 आलू छोटे छोटे 2 भाग में कट कर लिए हैं और मटर ली है। सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। सरसों के तेल में ये और भी स्वादिष्ट लगती है। तेल गर्म हो जाने पर आलू डाल दें। आलू को फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर। बीच बीच में चलाते रहें ताकि आलू सतह से चिपके नहीं। आलू फ्राई हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर। अब ऑयल में मेथी के दाने और तेज़पत्ता डालेंगे। मेथी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ग्रेवी कड़वी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पीछे से घबराएं नहीं, टमाटर डाल दें। हल्दी डाल दें थोड़ी सी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया अच्छे से मिक्स कर लें। ढककर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। मसाला अच्छे से पक गया है, तेल अलग होने तक इसे भून लें। मसाले अच्छे से भून गया, तेल भी अलग हो गया है। हम इसमें आलू और मटर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ी सी दही डाल दें इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि टमाटर भी है, इसमें खटास आ जाएगी अच्छी खासी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के 2 से 3 सीटी लगा लें। 3 सीटी लग गई है, सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। इसमें हरा धनिया डालेंगे। टेस्टी टेस्टी आलू मटर की सब्जी तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।